सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर चर्चा ये किसी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने या सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कार्रवाई नहीं थी। यह तो प्रदेश के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया जाने वाले प्रयास का हिस्सा था और हम लोगों ने पहले ही दिन सरकार के गठन होने के बाद जब दलीय नेताओं की बैठक हो रही थी तब भी हम लोगों ने इस बारे में कहा था, हम चाहते हैं अधिक समय तक सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए और मैं अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगा दलीय नेताओं की एक कमेटी गठित होनी चाहिए, संसद की तर्ज पर विधानसभा की कार्रवाई को भी हम लोग कैसे और समृद्ध बना सकते हैं, कैसे हम नियमों के अंदर आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन करते हुए इसको और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है, यहां का अपना एक मैसेज है, अपना एक संदेश है, देश के लिए भी दुनिया के लिए भी, वो हम कैसा करना चाहते हैं ये हम पर तय करेगा और मुझे लगता है इस सदन के दलीय नेताओं की बैठक के माध्यम से उसकी कमेटी गठित करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पे हमें प्रयास करना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो नियमों में संशोधन करके संसद की तर्ज पर सदन की कार्रवाई को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि दलीय नेता तो बोलते हैं लेकिन जो नए सदस्य हैं उनको बहुत बार मौका नहीं मिल पाता है, उनमें एक एनर्जी है, उनके पास कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वह अपने अमूल्य सुझावों से जिस अलग अलग पृष्ठभूमि से वे लोग आए हैं उनके पास उसका भी अनुभव है, प्रदेश उन अनुभवों से वंचित रह जाता है और इसलिए हम लोग प्रयास करें कि कैसे उन सभी लोगों को भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें एक व्यवस्था यहां पर बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो मैसेज होगा बहुत बड़ा मैसेज होगा। विपक्ष का यह आरोप कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है, ये बजट सेशन है, बजट सेशन बजट तक सीमित होता है, अन्य मुद्दों को मान्य सदस्यों ने इस दौरान रखे हैं उस पर भी चर्चा हुई, हम लोगों ने किसी भी कार्य से अपने आप को अलग नहीं किया है, सरकार ने हमेशा कहा है किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस को हम तैयार हैं, सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, सदस्यों की चर्चा का स्तर गंभीर था और समृद्ध था तो उत्तर का स्तर भी उसी प्रकार का गंभीर और उतना ही समृद्ध रहा है, पूरे सदन के दौरान मंत्रियों के द्वारा दिए गए वक्तव्य और सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दे इस सब का प्रमाण है। हम लोग चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति हमारी भी प्रतिबद्धता है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं आप 15 वर्षों के उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को उठा करके देखें, हमने एक सत्र में जितना सदन चलाया है आप पूरे वर्ष में उतना सदन नहीं चलाए, आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोगों ने तो अधिक से अधिक दिनों तक सदन को चलाने की कार्रवाई की और हम लोग आगे भी करेंगे। यह सत्र केवल इसको हम सत्रावसान की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम बीच में फिर उस प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जैसे विगत वर्ष हम लोगों ने 3 अलग अलग अवसरों पर सत्र को आहूत करके विशेष मुद्दों को लेकर के सदन की चर्चा को और समृद्ध बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर इस सदन में चर्चा हुई थी, संविधान दिवस पर इस सदन में विशेष चर्चा हुई थी, एक अन्य मुद्दे पर भी हम लोगों ने विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की थी, रिजर्वेशन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के विशेष सत्र हम लोगों ने यहां पर आहूत किया था और ये 3 विशेष सत्र सामान्य चलने वाले सत्रों के बाद अतिरिक्त रूप से भी यहां पर पिछले वर्ष चले थे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, महामहिम राज्यपाल के भाषण से सत्र का शुभारंभ हुआ था, इसके उपरांत बजट पे चर्चा करते हुए आज बजट
यहां पर पारित हुआ है। मैं सबसे पहले पूरे सदन के सभी दलीय नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबने राज्यपाल जी के अभिभाषण को भी और बजट को भी यहां पर पारित किया है। अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा हुई, अलग अलग विभागों के बजट पर भी चर्चा हुई है और काफी अच्छी चर्चा हुई। मैंने पहले भी कहा था आपको कि संसद में अगर 16 मंत्रालय हैं तो 16 पे चर्चा नहीं होती, 4 लोकसभा में चर्चा होती है, 4 राज्यसभा में चर्चा होती है, शेष अन्य विभागों के बजट को कमेटी की बैठक में चर्चा करके उनके ठोस सुझाव को उसमें शामिल करके और फिर उसको सदन में रखा जाता है, सदन उसको स्वीकार करता है। कमेटी की बैठकें भी बहुत समृद्ध होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सार्थक होती हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें विधानमंडल की कार्रवाई को भी उस समृद्ध परंपरा की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जिस अवसर पर हम लोगों को बैठने की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग मुद्दे पर हम बैठेंगे और हम लोग तो चाहेंगे कि प्रदेश से जुड़ी हुई अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग समय में विशेष यहां पे सदन की बैठकें आयोजित हो, सदन को हम चर्चा का, सार्थक चर्चा का विषय बनाएं। आप, मैं जो बोल रहा हूं इसलिए नेता विरोधी दल इसलिए इधर देखना नहीं चाहते क्योंकि वो आज मजबूर हैं कि उन्होंने अपने मुंह पर एक ऐसी पट्टी बांध दी है कि अब वह निकलने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए अब उनकी मजबूरी समझ में आ सकती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उन्होंने मुंह पे पट्टी बांधी है, कान पे पट्टी ना बांधे हुए सुने और पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को, इसके बारे में कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह ही दिया था कि कान की रुई को हटाने की व्यवस्था हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग चाहते हैं सदन में अलग अलग मुद्दों पर, जैसे पिछले वर्ष इस सदन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर चर्चा की थी, सबने सराहा था, जो लोग नहीं आए थे उनको पश्चाताप हुआ था और मुझे लगता है कि जिन्होंने आज अपने मुंह पर पट्टी बांधी है उनको भी जरूर पश्चाताप होगा इसके बाद। इस जैसे सदन की कार्यवाही यहां पर आपके द्वारा, पीठ के द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी तो उसके साथ ही इनको इस बात का पश्चाताप होगा। महोदय, हम ये भी चाहते हैं कि अलग अलग विषयों को लेकर के, परसों आपने विधायक निधि के मुद्दे पर भी यहां चर्चा की थी और उससे जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है उसमें आज के अनुरूप क्या संशोधन होने हैं, इसको लेकर के भी मैं चाहूंगा कि इस पर दलीय नेताओं की एक कमेटी बनाकर के और वे सभी सुझाव लेकर के एक समय सीमा के अंदर अगर प्राप्त हो जाते हैं तो हम लोगों को दोनों प्रकार से मदद मिलेगी। एक मदद आज के कार्य के अनुरूप, क्योंकि एक समय था जब विधायक निधि जब आई थी तब इस बात को लेके, तब गांवों में इस बात की चर्चा होती थी कि हमें खड़ंजा का कार्य करना है, तब विद्युतीकरण के कार्य के लिए, तब उस समय की आवश्यकता कुछ और थी, आज की आवश्यकता कुछ और है। आज विकास के कुछ नए मानक और नए प्रतिमान तैयार हुए हैं, लोगों के विकास की अपनी एक सोच बदली है, उसके अनुरूप विधायक निधि का उपयोग हो सके, एक उस मुद्दे को लेकर के उस गाइडलाइन में जो संशोधन करने हैं उस दृष्टि से हमें एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इस बारे में विधायक निधि बढ़े, मुझे लगता है नेता विरोधी दल इससे सहमत नहीं है और इसलिए वे सदन से वॉकआउट करके चले गए कि विधायक निधि बढ़े। मैं चाहता हूं कि विधायक निधि के बारे में भी एक कमेटी बनाई जाए जो विधायकों की निधि को बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा कर सके और विधायक निधि को किस हद तक हमें बढ़ाना है, किन किन योजनाओं को इसके साथ मर्ज करना है कि विधायक सम्मानजनक ढंग से अपना प्रस्ताव भी दे सके और उनके अनुरूप विभागीय कार्यों का संपादन विभिन्न विभागों के द्वारा भी किया जा सके। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए क्योंकि विभागीय बजट भी हम लोगों ने सभी विभागों का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया है,
और अगर उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी विधायकों के मान्य विधायकों के प्रस्ताव के साथ जुड़ करके इन कार्यों को सामूहिक रूप से हम आगे बढ़ाते हैं तो ये मान करके देखा जा सकता है कि एक एक विधायक विभिन्न कार्यों को अपने 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 विधानसभा क्षेत्र में एक एक विधायक एक ही वर्ष में 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का कार्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं अपने अपने विधानसभा में करके अपने 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 उपलब्धियों को जब प्रकाशित करेगा तो 5 वर्ष के बाद उसके सामने एक लंबा चौड़ा लेखा जोखा होगा कि विधायक निधि के साथ साथ उसके प्रस्ताव पर इतने ज्यादा कार्य उसकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, ये उस विधायक के साथ जुड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए और सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो, इसके बारे में एक ठोस कार्य योजना उस कमेटी के माध्यम से बनना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री की ही अध्यक्षता में अगर उस प्रकार की कमेटी बनती है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, वह समय से इस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा को तैयार करके आगे बढ़ा दें और जिससे इस पर आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सके। इसके साथ ही एक बात की चर्चा जो अक्सर होती है और हमें जो पूर्व विधायक गण भी और वर्तमान के कुछ विधायक गण भी, पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण उसके लिए सहमत हैं नहीं है मैं नहीं जान सकता, कि वेतन और भत्तों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। संभवतः नेता प्रतिपक्ष उसके लिए सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कल सरकार कोई घोषणा करती है ये कल तुरंत जाकर के कहेंगे कि साहब हम तो सहमत थे ही नहीं। और इसलिए मेरा प्रस्ताव होगा इसके बारे में भी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो, इस पर चर्चा हो और दलीय नेता इसके साथ बैठें, बैठ करके व्यापक आप मुंह की पट्टी को हटा करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए, बोले नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, आज हम लोग के लिए बोल दीजिए, आप बोल लीजिए। वैसे अध्यक्ष जी मौनम स्वीकृति लक्षणम। खन्ना जी चूंकि उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को लेकर कोई फिल्म बने तो बहुत हिट होगी वो। अच्छा होगा नेता विरोधी दल अगर सहमत हो तो इसको लेकर के भी एक कमेटी समय सीमा जितना समय ले लेंगे, एक दिन दो दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना 2 वर्ष इन लोगों को देखो ना सामने बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधायक निधि 3 करोड़ कर दी जाए माननीय सदस्यों के लिए, साथ ही साथ विभिन्न विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव, हमारा प्रयास होना चाहिए कि माननीय सदस्यों को जो सहमत हैं उनके सदस्यों की राय लेनी चाहिए, जो असहमति व्यक्त कर रहे हैं उनके प्रस्ताव न लिए जाएं, भले ही वो न सहमत हों लेकिन बाकी सदस्यों के प्रस्ताव लेकर के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सरकार एक पत्रिका 3 वर्ष की उपलब्धियों पर छाप रही है, इसमें सभी
किस, यानी उसमें कोई दलीय भेद नहीं होगा। सभी माननीय सदस्यों की अपनी विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर के भी पत्रिका होगी। आप भी अगर अपनी विधानसभा की अपनी उपलब्धियों को एक बार चेक कर लेंगे और उसको भेज देंगे तो हमारा प्रयास होगा कि 15 मार्च तक हम वो पत्रिका छाप करके आपको उपलब्ध करवा देंगे। और अगर ये चीजें होंगी तो आपके लिए 3 वर्ष की उन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। जनता को आप बता पाएंगे सरकार ने किया, जनपद में ये हुआ और विधानसभा में ये कार्य हुए हैं। ये उपलब्धियां जनपद की भी और विधानसभा स्तर पर भी इसकी जानकारी मिलेगी। इसके प्रस्ताव यद्यपि हम लोगों ने जनपद स्तर पर से तो मांगे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो उसमें जो संशोधन आप करना चाहेंगे तो उसको लेकर के जितनी जल्दी कर लें, 15 मार्च के अंदर अंदर ये चीजें जल्दी मिल जाएं तो 15 मार्च तक हम लोग पत्रिकाओं को प्रकाशित करके आप तक पहुंचाने का कार्य कर लेंगे। सभी माननीय सदस्यों को पूरी मात्रा में इसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके अलावा जो माननीय सदस्य के वास्तव में वेतन और भत्तों के बारे में एक चर्चा होनी चाहिए और इसके बारे में एक ठोस व्यवस्था, क्या इसमें पेंशन की व्यवस्था के लिए होनी है, क्या इसके बारे में वेतन के बारे में अन्य भत्तों के बारे में उनके ट्रेवलिंग एजेंट, ट्रेवलिंग जो उनका भत्ता है इसके बारे में, क्योंकि जो कूपन का सिस्टम है क्या हमें कोई स्मार्ट कार्ड की तरफ जाना है, क्या करना है इसके बारे में, मुझे लगता है वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी दलीय नेताओं की बन जाए, वो कमेटी इस पर चर्चा कर ले, चर्चा करके अपना प्रस्ताव दे दें। सरकार इस पर आपकी भावनाओं के साथ में है और हम लोग इन चीजों को पूरी तरह इसके साथ पारदर्शी तरीके के साथ ये चीजें दिखनी चाहिए जिससे कहीं भी किसी को बोलने का मौका ना मिले। महोदय इसके साथ ही बहुत कुछ मिल गया भाई, अब तो हम पाइप पेयजल योजना पहुंचा रहे हैं, घर 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 नल, हर घर नल के लिए 15,000 करोड़ रुपए अभी सरकार ने बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में दे दिए हैं। हम लोग हर एक गांव में आगामी 2 वर्ष के दौरान इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार इसमें पर्याप्त धनराशि दे रही है, कोई भेद नहीं यहाँ, लेकिन बुंदेलखंड सबसे प्रभावित क्षेत्र था और बिंद क्षेत्र सबसे प्रभावित क्षेत्र था। पहले चरण में सरकार ने अपने स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है जिसमें भारत सरकार भी सहयोग कर रही है। और मैं चाहूंगा कि हर एक सदस्य को, जैसे बिजली के लिए आपको बोलना नहीं पड़ा, हर एक गांव में हर एक मजरे तक बिजली पहुंचा दी गई, जैसे सड़क के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लगातार सरकार की कार्रवाई उस तक पहुंच रही है, जैसे अन्य कार्यों के लिए, भाई आपने देखा होगा पहले भी सरकारें रही हैं, कोई बीमार होता था मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देने के लिए तो चेहरे और दल देखे जाते थे, आज चेहरा और दल देखकर के नहीं, पीड़ित व्यक्ति को देख करके सरकार सीधे उसको पैसा 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगा करके उसके खाते में पैसा देने का कार्य करती है। उसका प्रस्ताव सरकार के पास आ जाए, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रत्येक नागरिक को मिला, बिना भेदभाव के मिला। ऐसे ही स्थिति हमें पेयजल के लिए भी देनी है, एक सस्टेनेबल, हम जो मॉडल तैयार कर रहे हैं वह 10 वर्ष से 15 वर्ष तक उस जो कार्य जो संस्था उस कार्य को करेगी उसको उसके मरम्मत और उसके मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था भी अपने जिम्मे लेनी पड़ेगी, जिससे हम उस परियोजना को एक सस्टेनेबल बना सकें और लोगों को लंबे समय तक इसका उपयोग दे सकें। ये कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, जहां पर सरफेस वाटर होगा हम सरफेस वाटर को ट्रीट करके ट्रीटमेंट के माध्यम से हम वहां पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराएंगे, और जहां पर सरफेस वाटर नहीं होगा ग्राउंड वाटर की मौजूदगी होगी वहां पे ग्राउंड वाटर लेकर के हम इस योजना को पूरी तरह उनके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और महोदय मैं इसलिए चाहूंगा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, इन चीजों को लेकर के हमारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पूरे सदन की कार्रवाई, ये सदन लगभग आज सदन का 16वां दिन है, कार्य दिवस में देखेंगे 10वां दिन है, लेकिन 16वां दिन सदन की कार्रवाई, 13 से हमारी प्रारंभ हुई थी,
और एक कार्य निरंतर हमारे अलग अलग उसमें चली, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए, उस पर हमने चर्चा को आगे बढ़ाया। सदन की इस कार्रवाई में सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ यहां पर भाग लिया, अपने विचारों को दिया, उनके बहुमूल्य सुझाव सरकार के पास आए, विभिन्न मंत्रालयों के पास गए, उससे लोगों को कार्य करने और एक नई स्थिति उनके सामने पैदा हुई है। महोदय, इस दौरान हमारे यहाँ पर विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ देर देर रात्रि तक यहाँ पर सदन की कार्रवाई चली है, उस दौरान भी उन्होंने कार्य किया है, और इसलिए इस जो पुरस्कार स्वरूप उनकी मेहनत, उनकी लगन और निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें जो 11,500 रुपये की पुरस्कार राशि उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है, इसके बारे में मैं इस सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं। मैं सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी दलीय नेताओं के साथ ही पूरे सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए एक समृद्ध चर्चा का मंच उत्तर प्रदेश विधानमंडल को बनाया है, और विधानमंडल में भी इतनी समृद्ध चर्चा आगे बढ़ सकती है, संभवतः कई वर्षों के बाद ये चीज देखने को मिली है। हमें इसको और समृद्ध बनाने के समय प्रयास करना चाहिए। मैं सबके उन सभी बहुमूल्य सुझावों का समर्थन करूंगा जो प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक माहौल को और सुखद और समृद्ध बनाने में जो सहायक होगा, और मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता होगी। मैं अध्यक्ष जी आपके प्रति, प्रमुख सचिव विधानसभा के प्रति और सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके इस पूरी व्यवस्था को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश विधानमंडल की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। क्योंकि विधानमंडल की गरिमा हमारे लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों की गरिमा होती है। विधानमंडल में चर्चा का स्तर लोकतांत्रिक मूल्यों के चर्चा को और समृद्ध बनाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आम जन का विश्वास और सुदृढ़ होता है, और वह आज यहां पर देखने को मिला है। मैं एक बार फिर से आपका, सभी दलीय नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बजट सत्र में शानदार चर्चा और कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।